हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर वीएफएक्स और आपका स्वागत है एक नए ट्यूटोरियल में। हमारा आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सबको नवरात्रि की बधाई देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपका नवरात्रि बहुत ही मंगलमय है। आज का हमारा ट्यूटोरियल इसके ऊपर है कि टी शर्ट डिज़ाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दो तरीका दिखाऊंगा। एक, अगर आपको टी शर्ट डिज़ाइन करना है पर उसे कभी प्रिंट नहीं कराना है तो कैसे डिज़ाइन करें, मतलब आपको बनाना है और उसे रखना है, आपको बना के किसी कंपटीशन में पार्ट लेना है तो कैसे बनाएं, और अगर आपको टी शर्ट को प्रिंट कराना है थोड़ा प्रैक्टिकल वे में तो उसमें क्या करें। ये दोनों में बहुत अंतर है। मैंने टी शर्ट को प्रिंट कैसे करते हैं, उसको कैसे डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, मैंने अपने आँखों से देखा है और वो बहुत ही लिमिटेड है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि लिखा रहता है दुकानों में कि आप यहाँ पे कस्टम डिज़ाइन का टी शर्ट प्रिंट करवा सकते हैं, और वो लोग कैसे प्रिंट करता है मुझे पता है। और वहाँ अगर आप प्रिंट करवाने जाओगे और आपके पास डिज़ाइन नहीं रहेगा और आपका कोई अपना डिज़ाइन है जो आप चाहते हैं और वो लोग अगर डिज़ाइन करेगा तो वो लोग इस काम का अच्छा खासा पैसा लेता है। आप ये ट्यूटोरियल देखने के बाद आप अपना डिज़ाइन खुद बना पाओगे और आपका वो पैसा बच जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब हम प्रिंट कराते हैं तो उसका स्टाइल कैसे, पेपर साइज, फॉन्ट और जो इसके ऊपर इमेज रहेगा वो सब मैटर करता है। पर अगर आप कोई कॉम्पिटिशन के बना रहे हैं, टी शर्ट डिज़ाइन कॉम्पिटिशन के बना रहे हैं, तब ये सब फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे पास एक सामने जो है एक इमेज है जिसमें एक टी शर्ट के ऊपर डिज़ाइन है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो ये आपको कॉम्पिटिशन जिता देगा पर ये आपका प्रिंट नहीं हो पाएगा, ये आपके टी शर्ट के ऊपर प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा कि दोनों चीज़ कैसे करते हैं। अगर एक कंपटीशन जीतना है तो उसके लिए कैसे तैयारी, क्या करना है। अगर आपको एक चीज़ प्रिंट कराना है तो उसके लिए क्या करना है। तो मैं अपना ट्यूटोरियल शुरू करता हूँ, इसे मैं अभी बंद कर देता हूँ। अभी मैं एक प्लेन टी शर्ट लूँगा और उसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊँगा। जैसे कि मुझे एक टॉपिक मिला है टी शर्ट डिज़ाइन कॉम्पिटिशन में कि आज 2 अक्टूबर है तो इसके ऊपर कुछ बनाया जाए, तो मैं यहाँ पर एक मैं भी अब तैयार हो जाता हूँ कि अभी मुझे मिला टॉपिक 2 अक्टूबर के ऊपर गांधी जयंती, तो उसके ऊपर मैं एक टी शर्ट बनाऊँगा तो कैसा होगा। तो ये मैं टी शर्ट है, सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड को क्लियर कर लेता हूँ, डबल क्लिक ओके। इसका बैकग्राउंड को मैं हटा लिया, अब पीछे एक नया बैकग्राउंड ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एक ग्रे कुछ जैसा कुछ ले सकते हैं, मैंने ये ले लिया। अब मुझे इसके ऊपर अपना डिज़ाइन जो रहेगा उसे लेके आता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 1000 करोड़ का इमेज है जिसे मैं यूज़ करूँगा। अब जैसा कि मुझे इसे प्रिंट नहीं कराना है तो मैं इसे जितना भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे इसे प्रिंट नहीं कराना है। तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ इस इमेज के ऊपर, मैं इसे रोटेट करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि इस तरफ से इमेज हो, कंट्रोल टी फ्लिप हॉरिजॉन्टल ओके, और इसको ओपेसिटी तो कम करता हूँ। इसे मैं अपने टी शर्ट के ऊपर जैसा चाहता हूँ वैसा हो जाए। मैंने ये नोट का फोटो इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो इमेज है वो थोड़ा अलग है और थोड़ा सिंबॉलिक है, इसलिए मैंने ये इमेज लिया है। तो अगर आपको पसंद है अभी ले सकते हैं, गूगल में खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये ठीक है। अब मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और जाऊँगा लेयर रेड क्लिपिंग मास्क, तो यहाँ पे इमेज इस तरह से आ गई है। ये होने के बाद मैं इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन कर दूँगा मल्टीप्लाई ओके। अब इसमें मैं एक नया मास्क ऐड करूँगा, तो यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ मास्क ऐड हो जाएगा। मास्क ऐड करने के बाद मैं ब्रश लूँगा, कलर लूँगा ब्लैक ओके, और इसमें ब्रश को नॉर्मल लूँगा और इस हार्डनेस को 0 कर दूँगा। अब मैं जो एरिया मुझे नहीं चाहिए उसे ब्रश करके हटाता हूँ मैं।
इस तरह से। अब मैं इसका लुक को तो चेंज करूँगा, तो मैं इस इमेज सेलेक्ट करता हूँ, जाता हूँ इमेज एडजस्टमेंट, ह्यू और सेचुरेशन, यहाँ जाके मैं इसका लुक को थोड़ा चेंज करूँगा। इसके बाद मुझे और थोड़ा इसमें स्टाइल ऐड करना है, तो उसके लिए मैं एक नया इमेज लूँगा जो ट्री का बार्क है, जैसे ये। इसमें मुझे सिर्फ ज़्यादा नहीं, दो तीन लाइंस चाहिए जिससे मैं अपना ब्रश बना सकूँ। इसके बाद जाता हूँ इमेज एडजस्टमेंट्स लेबल्स, और यहाँ पे लेबल्स को एकदम कॉन्ट्रास्ट ले आऊँगा ताकि मैं इसका ब्रश बना सकूँ। तो ठीक है, इसे मैं कर दूँगा एडिट, डिफाइन ब्रश पैटर्न, ओके। और ब्रश में जाके सबसे नीचे मेरा ब्रश आ गया है, इसे ले लेता हूँ। अब इसका मास्क को सिलेक्ट करें और कलर ले ब्लैक, और इसे आप यहाँ पे इस तरह से आप इफेक्ट ऐड कर सकते हैं ताकि आपका इफेक्ट जो है और अच्छा लगे। इस तरह से आपका टी शर्ट डिज़ाइन रेडी हो गया है जो आप एक कॉम्पिटिशन में बना सकते हो। मैंने और एक दो बनाया है जो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये भी बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे बनाया था। जैसे मैंने ये इमेज लिया था, इमेज हटाता हूँ, ये हमारा सिंपल सा टी शर्ट है। अब मैं उस इमेज को लेके आऊँगा, जोकर इमेज को, ये हमारा जोकर इमेज है जिसे मैं अपने टी शर्ट के ऊपर लेके आऊँगा। लाने के बाद इसे स्केल करूँगा, कंट्रोल टी बड़ा कर लूँगा, और इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हटा दूँगा। फिर इसमें भी वही करूँगा, लेयर क्लिपिंग मास्क, और यहाँ जो एक्स्ट्रा पार्ट जो है कॉलर का उसे आप सेलेक्ट करके हटा देंगे। तो इस तरह से आपका ये भी इफेक्ट रेडी है। ये सब इफेक्ट आप सिर्फ कंप्यूटर रखने के लिए ठीक है, पर इसे आप प्रिंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका रीज़न है, क्योंकि आप जब प्रिंट करना जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ होता ही है, किसे हटाते हुए मैं दिखाता हूँ वहाँ होता क्या है। जैसे आपका एक टी शर्ट है, वहाँ क्या करेगा वो, उसका जो डिज़ाइन रहेगा वो अपना एक A4 या A3 साइज फ़ोटो में प्रिंट करेगा। तो मैं जैसे यहाँ पे एक डिज़ाइन है, यहाँ एक कुछ मैं रैंडम कुछ बना लेता हूँ, जैसे ये मेरा डिज़ाइन है। अब वो क्या करेगा, यहाँ से ये डिज़ाइन को लेके इसके ऊपर प्रिंट करेगा, पर वो हमेशा टी शर्ट के बिल्कुल मिडिल में रखेगा डिज़ाइन को, कुछ इस तरह से, और उसके बाद उसे वो प्रिंट करेगा। तो उससे होगा क्या कि कभी भी जो इमेज का डिज़ाइन है वो साइड में वो कभी प्रिंट नहीं करेगा, वो जो मेन एरिया जो है बीच वाला एरिया, प्रिंट हमेशा वहीं पे होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ बीच के लिए हो रहा है, तो उसे आप कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि वो कैसे करना है। वो करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू इमेज ले
और एक ए फोर साइज फोटो ले। ओके, यहाँ पे आपको कोई टी शर्ट लेने की जरूरत नहीं है, इसे हटा दे आप डबल क्लिक, इसको भी हटा दे आप, आपको कोई टी शर्ट लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप इसे रखें। उसके बाद आपको जो प्रिंट कराना है वो हमेशा हाई क्वालिटी होना चाहिए, वो हाई पिक्सल का होना चाहिए। तो आप जो भी इमेज यहाँ चाहते हैं प्रिंट करना वो थोड़ा हाई पिक्सल दे। तो मेरे पास कुछ इमेज है जो काफ़ी हाई पिक्सल वाला इमेज है, तो मैं उसे खोलता हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक इमेज है, इसका साइज बहुत ज़्यादा है। राइट क्लिक करके इसका इमेज साइज देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पिक्सल का है, तो ये मेरे लिए ठीक है। अब मैं इसे ड्रैग करके यहाँ लेके आऊँगा तो आप देखें इसे मुझे बड़ा नहीं करना, छोटा करना है। तो कभी भी आप अगर कोई भी इमेज को ए फोर साइज में ड्रैग करेंगे, उसे आपको छोटा करना है तो आपका इमेज मतलब काफ़ी अच्छा है, और उसे आपको बड़ा करना होगा तो आप उसे उस इमेज को हटाई दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका प्रिंट जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। मुझे सिर्फ वाइट हटाना है तो मैं कलर रेंज यूज़ कर रहा हूँ, डिलीट। अब मेरा ये मैं जब प्रिंट कराऊँगा मेरे टी शर्ट के मिडिल में आएगा और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। एक दिखा दूँ एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अब मैं इसे अगर प्रिंट कराऊँगा तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। आई होप कि आप समझे होंगे कि जब हमें प्रिंट कराना है तो हमें क्या करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसको आप इमेज मोड को कर दे CMYK मर्ज। ओके, ये करने के बाद आप जाए ह्यू और सेचुरेशन में और सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि जब ये प्रिंट होता है तो सेचुरेशन कम हो जाता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और कोई भी इमेज यूज़ करे उसका सेचुरेशन बढ़ाना ना भूले। इस तरह से आप कोई भी इमेज कोई भी डिज़ाइन प्रिंट कर सकते हैं, अगर वो अच्छा क्वालिटी का रहा तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और याद रखेंगे वो इमेज का सिर्फ मिडिल में प्रिंट होगा, तो डिज़ाइन कुछ ऐसा रखे जो मिडिल में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।